फिर आप ये कहेंगे मेरी आवाज बंद करा दी, मेरी आवाज दबा दी गई। सर तो प्लीज, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई राइट एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। तो प्लीज ध्यान से और आराम से। गौरव भाटिया। अदिति जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे कुछ लोग आके बताते हैं कि इनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या हैसियत है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो व्यक्ति ये बोलता है उसकी ये हैसियत है कि पाकिस्तान क्या एक रुपया मिल जाए तो ये कपड़े उतार देते हैं संसद में, जहाँ इन्हें चर्चा करनी होती है। और मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ, आपको मालूम है इनको किस पे विश्वास है? इनको विश्वास है? शांत कराइए, शांत कराइए। आपने बदतमीजी करी, जवाब दिया, आप आतंकवादी के समर्थक हैं, आप बोलिए मजबूरी में, और ये राउंड कराना पड़ेगा, मैं नहीं कराना चाहती, मैं आपको लास्ट टाइम वॉर्न कर रही हूँ, प्लीज। नहीं नहीं, वार्निंग की बात नहीं है, आप ये पर्सनल अटैक ना करें, आप दर्शकों का वक्त जाया करें, शो में अगली त्यागी, मोहित बाग, गौरव भाटिया के लिए नहीं हो रहा है, गौरव भाटिया की आवाज, गौरव भाटिया की आवाज, जल्दी से गौरव भाटिया, 40 सेकंड्स प्लीज। हाँ धन्यवाद। देखिए अदिति जी, इनको यहां के राष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है, इनको यहां के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। आपने कहा ना किस इंस्टीट्यूशन पे भरोसा है, इनको पाकिस्तान के राष्ट्रपति पे भरोसा होगा, इनको वहां के सुप्रीम कोर्ट पे होगा। और इनका दर्द क्या है? दर्द बहुत अच्छा लगता है, कह रहे थे तिरंगे पे चर्चा नहीं करेंगे। देखिए ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है, 1992 में एक चुनौती दी गई कि लाल चौक पे तिरंगा कोई माइका लाल नहीं फहरा सकता, और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तब महासचिव थे, उन्होंने जाके लाल चौक में तिरंगा फहराया, ये दिखाया कि ये भारत जो अखंडता है ना, इसको तुम तोड़ नहीं पाओगे चाहे जितना प्रयास करे। और दर्द क्या है इनको? दर्द है रामनाथ कोविंद जी और मुर्मू जी से ये, कि साधारण परिवार से आके अपनी मेहनत और निष्ठा ईमानदारी से सर्वोच्च पद पे कैसे पहुंच गए। और ये वंशवादी पार्टियां जो भारत को लूटते हैं, जो लोगों से सम्मान पाते हैं फिर भी भारत के लिए खड़े नहीं हो पाते, तो इनका ये जो दर्द है ये साफ झलक आया है। और मैं एक बात और कह दूं, जब अनुच्छेद 370 हटा अदिति जी, 1952 के बाद पहली बार तिरंगा इकलौता वहां पे फहरा रहा था, वरना वहां पहले प्रदेश का झंडा भी फहराया जाता था। और यही दर्द इनको है, सचिवालय पे जब अकेला तिरंगा फहराया तो इनको दर्द हुआ। संविधान पढ़िए, संविधान केवल टेबल पे रखने से नहीं होता, महबूबा मुफ्ती को कहिएगा अनुच्छेद 370 पढ़े। और जो राष्ट्रपति होता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से चलता है, एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और कुछ उसके ऐसे फंक्शंस हैं जहां वो स्वयं निर्णय ले सकता है। ये फर्क पहले जानिए, उसके बाद चर्चा करिए, महबूबा मुफ्ती को बताइए इस तरह के हल्के भारत के राष्ट्रपति के लिए। अमित जमाई, देखिए देखिए गौरव जी, बहस 370 पे सैकड़ों बहस हो चुकी है, उसको लागू होना था वो लागू हो गया है। सवाल ये है कि आज हमारे देश में दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, क्या आपने इस हाईएस्ट ऑफिस को वो बीजेपी आरएसएस से हटा के बतौर इंडिपेंडेंट, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने काम किया, राजीव गांधी के खिलाफ वो खड़े हो गए, तब आपकी वो पुरानी पार्टी थी, क्या वो नरेंद्र मोदी जी ज्ञानी जैल सिंह का वो आपको शब्द याद है जो कह रहे थे कि झाड़ू लगा सकता हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सड़क से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसमें इतनी हिम्मत है सर्वोच्च न्यायालय पे कब्जा करे, जुडिशरी बन गया बताइए, नहीं पूछ रहा हूं मैं किसमें, सुनिए ये ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाइए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ किसमें इतनी हिम्मत है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे कब्जा कर ले, बताइए विरासत से आती है, अरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, अमित आपसे सवाल है, विरासत है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे, किसमें इतनी हिम्मत है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे कब्जा कर ले, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यायपालिका मजबूत हुई है, कांग्रेस की तरह नहीं है जहाँ सुपर सीट कर दिया जाता था, जूनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता था, इमरजेंसी लगा दी जाती थी, अभी 5 साल की जेल काट के सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है। अजय आलोक, अजय आलोक, अजय आलोक, ये जो डिबेट हो रही है जिसमें
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की जा रही है अमित जी भाई, प्लीज राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं और एक हाथ में अखिलेश यादव को घर घर तिरंगे से क्या दिक्कत है भाई? ठीक, हर घर तिरंगे से क्या दिक्कत है? एक सेकंड मोहित भान, मैं वापस आपको मंच दूंगी, कमेंट पहले मैं लूंगी अजय आलोक का, उसके बाद मोहित भान में आपको फ्लो दूंगी, प्लीज।